एक बुज़ुर्ग थे बनी इसराइल के, उनका नाम था हज़रत जुरैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो बड़े नेक मुत्तकी अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे, दिन रात अल्लाह 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 ज़िक्र अस्कार तिलावत, उस ज़माने की जो इबादत थी वो करते थे। तो उन्होंने अपने घर से बाहर एक ऊपर चबूतरा बना रखा था, अपनी एक इबादत की जगह उस ज़माने की मस्जिद समझें, उसने अपने अकेले अल्लाह अल्लाह करने के लिए एक जगह बनाई हुई थी। नीचे एक चरवाहा रहता था, गाय बकरियां चराने वाला, ऊपर की मंजिल में खुद इबादत के लिए कि कोई तन्हाई हो, कोई तंग मुझे ना करे। तो एक मरतबा ये इबादत कर रहे थे, एक औरत थी, वो जो नीचे बंदा रहता था ना, जो बकरियां चराता था, एक बदकार औरत किसी मोहल्ले की, वो उसके पास आती रहती थी नीचे वाले बंदे के पास, ये अपनी इबादत में होते थे। तो एक मरतबा ये नमाज पढ़ रहे थे, नफल नमाज पढ़ रहे थे हजरत जुरैज रजी अल्लाह ताला अन्हो, तो इसकी माँ आई और माँ ने कहा जुरैज, तो अब ये नमाज में इन्होंने सुन लिया कि मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही है। अब इन्होंने क्या किया, दिल में सोचा एक तरफ माँ है और एक तरफ नमाज है, तो इन्होंने नमाज को तरजीह दी, नमाज को फौकियत दी माँ की आवाज़ के ऊपर, वो चली गई। थोड़ी देर गुजरी, फिर वो आई तो फिर ये नफल में थे, उसने कहा जुरैज मेरे बेटे, इन्होंने फिर दिल में कहा इधर माँ है और इधर नमाज है, इन्होंने फिर दिल में नमाज की अजमत को ज्यादा जाना और चुप रहे, माँ की जवाब नहीं दिया सवाल का, वो चली गई। वो तीसरी मरतबा आई, उन्होंने फिर कहा मेरे बेटे जुरैज, ये खामोश रहे, इन्होंने कहा यहाँ नमाज है यहाँ माँ है, और फिर नमाज की तरफ ये फोकियत इन्होंने की। अब माँ को वक्ती तौर पे मामूली सा गुस्सा आया और माँ ने कहा ऐ मेरे बेटे, अल्लाह तुझे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक तू किसी बदकार और फाहिशा का चेहरा ना देख ले, जब तक तू किसी गंदी औरत का, जानिया औरत का चेहरा और तेरा आमना सामना उससे ना हो जाए, उस वक्त तक तुझे मौत ना आए। कि थोड़े से गुस्से की वक्त में उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज थे माँ के। क्या हुआ, एक दिन उस औरत ने बेटा जना, वो बेटा, उसकी शादी नहीं थी, इलाके में बात उठी कि लड़की अभी शादीशुदा नहीं है, कवारी है, बेटा कहाँ से आया। जब उसको पकड़ा कि बेटा किसका है, उसने उस चरवाहे का नाम नहीं बताया, उसने कहा कि ये बेटा किसका है, वो जो नेक मुत्तकी परहेजगार हजरत जुरैज रहमतुल्लाह ताला, ये उसी का बेटा है। बादशाह के पास ये बात पहुंची, वो हक्का बक्का, दुनिया हक्का बक्का, इतना नेक, इतना परहेजगार, इतना अल्लाह वाला, और ये क्या काम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुस्से में आके कहा कि जुरैज की सारी मस्जिद को, इबादत खाने को गिरा दो और इसके गले में रस्सी डाल के हमारे दरबार में हाजिर करो। ऐसे हुआ, औरत ने जो तोहमत लगाई इनकी सारी उस मस्जिद इबादत खाने को गिरा के इनको बादशाह की खिदमत में तजलील के साथ ले आए, और इधर आके बादशाह के पास जब हाजिर हुए, बादशाह ने कहा ऐ जुरैज, हम तो तुझे बड़ा नेक मुत्तकी समझते थे, तेरा हाल तो बहुत बुरा, तूने क्या किया। भाई क्या किया मैंने बादशाह सलामत, उन्होंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, क्या हुआ। फरमाया इस औरत ने कहा है मेरे से जो बच्चा पैदा हुआ ये जुरैज की औलाद है, मेरा ना इससे निकाह है, इसने मुझसे गलत ताल्लुक कायम किया और बदकारी और जिना किया, ये इसी की औलाद है जो मैंने जनी है। हजरत जुरैज ने कहा अच्छा। हजरत जुरैज उस औरत के पास गए और उसे कहा बीबी तू बता तू क्या कहती है, ये बच्चा किसका है। उसने कहा जुरैज अब मुकर नहीं, ये तेरी औलाद है, तूने मुझसे जिना किया है। कहते ठीक। सारे मजमा खड़ा था और उस बच्चे की तरह, बच्चे की उम्र कितनी है, 5 घंटे 10 घंटे, 1 दिन या 2 दिन के बच्चा था। हजरत जुरैज ने उस बच्चे को कहा बेटा बताओ तेरा बाप कौन है, बताओ तेरा बाप कौन है। वो एक दिन का बच्चा बोल उठा ऐ जुरैज तू पाक है, तू साफ है,
तेरे ऊपर कोई धब्बा नहीं है, मैं बच्चा हूं उस चरवाहे का जिसने मेरे मुंह मेरे माँ के साथ मुंह काला किया, मैं उसकी जिना की औलाद हूं, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा आप बाबा नहीं हो, मेरा वो चरवाहा बाबा है। जब उसने ये बात की, सारे मजमे ने सुना, बादशाह ने सुना, उसने कहा माफी मांगते हैं हम, माफी मांगते हैं हम आपको, आपकी मस्जिद सोने की बना के देते हैं, चांदी की बना के देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस मुझे वही गारे की बना के दो जो पहले से थी। और फरमाया बताओ बताओ ये क्या हुआ, तुम क्यों थोड़ा सा हंस रहे थे? फरमाया मैं इसलिए हंस रहा था कि मुझे पता चल गया था कि इस औरत ने जो मुझके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, ये इसका कसूर है या नहीं, ये तो बात की बात है। मैंने जो माँ को थोड़ी देर के लिए नाराज़ किया था, और मेरी माँ ने उस नाराज़गी में कहा था अल्लाह तुझे उस वक़्त तक मौत ना दे जब तक तू किसी जानिया के साथ तेरा मुँह ना हो, ये देखो मेरी माँ की वो दुआ मेरे हक़ में कबूल हुई है।